मेरा प्रश्न था कि मौत सबको आती है, लेकिन मौत को किसने मारा और कहां मारा, किस शस्त्र से मारा, और यमराज को भी किसने मारा, वो जगह कौन सी है, पुनः जीवित हुए तो किस प्रकार जीवित हुए। गुरु जी, आपसे बड़ी आशा करके मैंने पूछा था, लेकिन आपने ना तो कमेंट किया ना ही कार्यक्रम में शामिल किया, तब ये लिखना पड़ा। अगर आपको मेरा कमेंट गलत लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको दो बार कमेंट किया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपका एक छोटा सा श्रोता नरेंद्र सैन, अध्यापक, ग्राम पाठाराम, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। नमस्कार, जय राम जी, राम राम श्री राम, जय रुक्मणी पति कृष्ण, जय 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 राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। कहो सब प्रभु का नाम जपो प्यारे, सब प्रभु का नाम जपो प्यारे। सब्सक्राइब करो आदर्श धर्म यूट्यूब वीडियो है न्यारे, सब्सक्राइब करो आदर्श धर्म यूट्यूब वीडियो है न्यारे। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से जुड़ कुछ भक्ति ज्ञान संचार करो, कुछ तुम पूछो कुछ बतलाओ, फैलाओ ज्ञान संस्कार भरो। कुछ तुम पूछो कुछ बतलाओ, फैलाओ ज्ञान संस्कार भरो। पंडित विजय अवस्थी से धर्म शास्त्र के प्रश्न करो, प्रश्न अगर उत्तम है तो उत्तरित होए कुछ सब्र करो, उत्तरित होए कुछ सब्र करो। सब मित्र हमारे परिवारी, ना छोटा कोई बड़ा कोई, जब सब मेरे तुम अपने ही हो तो कैसे भेद करे कोई, जब सब मेरे तुम अपने ही हो तो कैसे भेद करे कोई। आरोप लगाया मास्टर जी, इस दिल को घायल कर डाला, इस दिल को घायल कर डाला। आदर्श धर्म यूट्यूब है ये, यहाँ होता नहीं गड़बड़ झाला, यहाँ होता नहीं गड़बड़ झाला। आज प्रश्न है आपके शिक्षक नरेंद्र जी सैन, क्या विवेकमय प्रश्न है खोले सबके नैन, क्या विवेकमय प्रश्न है खोले सबके नैन, खोले सबके नैन। प्रश्न शिक्षा का परम हितकारी है उनका प्रथम प्रश्न प्यारा, क्या मृत्यु सभी पर भारी है, क्या मृत्यु सभी पर भारी है। प्रत्यक्ष देख कर वा पढ़ के शास्त्र ये बात समझ में आती है, मरना तो सबका निश्चित है, मृत्यु तो सबकी आती है, मरना तो सबका ही निश्चित है, वा मृत्यु तो सबकी आती है। इसलिए मृत्यु से क्या डरना, पर चर्चा उस पर भी ठीक नहीं, चर्चा उस पर भी ठीक नहीं। नेगेटिविटी से दूर रहो, सब ईश्वर जो करे सब ठीक वही, ईश्वर जो करे सब ठीक वही। कोई आता है कोई जाता है, कोई मिलता कोई बिछुड़ता है,
मिलने का सुख बिछुड़न का दुख दिन रात के जैसे लगता है। मिलने का सुख बिछुड़न का दुख दिन रात के जैसे लगता है। प्रश्न दूसरा इनका है, फिर मौत को किसने था मारा, गर मारा भी तो कैसे मारा, इस शस्त्र अस्त्र से था मारा। इस प्रश्न के हैं दो दो उत्तर, दोनों ही अच्छे वा सच्चे हैं। अब कैसे सुनना है, कविता में या फिर गद्य कहानी, जैसे हैं या गद्य कहानी जैसे हैं। तो मित्र आपका प्रश्न शिव पुराण में वर्णित कथा के आधार पे बनाया हुआ प्रश्न है, अतः इस प्रश्न का जवाब इसी कथा के आधार पर देते हैं। चूंकि आपका प्रश्न बड़ा है और लोगों के लिए काफी शिक्षा प्रद भी है, अतः मैं इसको अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार कविता के माध्यम से थोड़ा विस्तारित करते हुए दो पार्ट में बना रहा हूँ। प्रस्तुत है इसका आगे का प्रसंग। पहला जवाब शिव पुराण से है, जहाँ राजा श्वेत एक होता था, धर्मात्मा दानी महान था, वो शिव का परम चहेता था, धर्मात्मा दानी महान था वो और शिव का परम चहेता था। अच्छे से किए सब राजकार्य, सब धर्म निभाए राजा ने, युवराज पुत्र को दे सिंहासन, खुद चला गया था वो वन में, युवराज पुत्र को दे सिंहासन, खुद चला गया था वो वन में। राजा जंगल में पहुंच गए, चलते चलते कुछ प्यास लगी, नदी गौतमी देखा, जब पानी पी कर कुछ तृप्ति मिली, सुंदर निर्जन स्थान दिखा, थी गुफा बनी सुंदर प्यारी, थी गुफा बनी सुंदर प्यारी, मन में उत्कंठा, शिव व्रत की यहाँ करूं तपस्या, त्रिपुरारी यहाँ करूं तपस्या, त्रिपुरारी। गौतमी नदी का पावन जल, काली मिट्टी थी वहां न्यारी, राजा खुद थे एक कलाकार, शिवलिंग बनाया एक भारी, राजा खुद थे एक कलाकार, शिवलिंग बनाया एक भारी। आचमन किया वा मंत्र पढ़े, फिर प्राण प्रतिष्ठा कर डाला, फिर प्राण प्रतिष्ठा कर डाला, मन में बैठे बस महादेव, वो जपने लगे फिर शिव माला, वो जपने लगे फिर शिव माला। तन से मन से इस जीवन से सब माया मोह को मोड़ दिया, महामृत्युंजय मंत्र जपे बस, खाना पानी सब छोड़ दिया, महामृत्युंजय मंत्र जपे बस, खाना पानी सब छोड़ दिया। अब हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, तो राजा की भी उम्र समाप्त हो गई, तो मृत्यु देवता अपने यमदूतों को लेकर उनका उनके प्राण लेने के लिए पहुंचते हैं, परंतु वहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते राजा को देखकर, जब तक वो मंत्र जप रहे हैं तो उन पर आक्रमण न करके मृत्यु देवता बाहर बैठ जाते हैं। तो मृत्यु देवता बाहर बैठे,
कब रुके मंत्र इंतजार करें, राजा के कर ले प्राण हरण वायमपुरी प्रस्थान करें। मंत्र न होते बलंद अब बीत गए बहु वर्ष, दूतों को देखें जभी शिवगण करते हर्ष, शिवगण करते हर्ष, शिवगण करें मजाक बहुत सुन काल काल बन जाता है। दूतों को फिर आदेश हुआ क्यों नहीं पकड़ कर लाता है। अब देखो हमेशा क्या होता है कि जब आराम से वो बैठे मृत्यु के देवता अपने यमदूतों के साथ बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा का मतलब ही नहीं था। लेकिन क्या होता है जब एक दूसरे का कोई मजाक उड़ाता है तो युद्ध लड़ाइयां तभी होती हैं। तो क्या हुआ कि राजा जी अंदर बैठे उनको न कोई खबर भी है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है। यमदूत बड़े क्रोधित होकर राजा को पकड़ने चलते हैं, राजा को पकड़ने चलते हैं, पर सामने हैं शिवगण थाए। अब एक एक से भिड़ते हैं, अब एक एक से भिड़ते हैं। पहले तो धक्का मुक्की हुई फिर घूसे मुक्के भी चलते हैं, फिर क्रोधित होकर दांत चले फिर हाथ पैर सब चलते हैं। तो अब चूंकि मास्टर जी आप बुंदेलखंड के गायक हैं तो आपकी आला तर्ज पर युद्ध का वर्णन करें तो शायद आप लोगों को ज्यादा आनंद आएगा, और मेरा उद्देश्य आप सभी के चेहरों पर मुस्कान लाना ही है। तो अगला भाग यमदूतों और शिवगणों के युद्ध का और बाकी का प्रसंग अगले भाग में। अस्तु, जय जय भोलेनाथ।